सोशल मीडिया साइट्स को स्क्रॉल करने में अपना ज्यादातर वक्त गुजार देने वाले कुछ लोगों को लगता होगा कि इंटरनेट पर मौजूद लगभग सभी वीडियोस उन्होंने छान मारे होंगे, लेकिन उनके इस गलत फहमी को दूर किए देते हैं जनाब, क्योंकि इस वीडियो में है कुछ ऐसे क्लिप्स जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस लाल रंग के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। अब इन वास्प्स को देखिए, ये सबसे घातक जीवों में से एक है। ये जीव काफी आक्रामक होते हैं, लेकिन इनका बचाव करने की प्रक्रिया इन्हें ही खास बनाती है। खतरे के समय ये लगातार अपने डंक से हमला करती हैं। ये जीव जमीन के गड्ढों में अपने घर बनाते हैं, लेकिन इनका एक घर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। पैटरसन, लुजियाना में इन्होंने एक छोटे स्टोर हाउस को ही अपना घर बना लिया, और जब इन्हें हटाने के लिए जूट वॉरेट आगे बढ़े तो इन पर वास्प्स का हमला हो गया। वास्प्स के इस पूरे कॉलोनी को हटाने के लिए इन्हें 45 मिनट का समय लगा, जिसमें इन्हें कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि इस वास्प्स का जहर इंसान को भी मार सकता है। अगर 1500 वास्प्स किसी को काट ले तो उसे यमराज के दर्शन हो जाएंगे। दोस्तों, क्या आप भी जूट की तरह इस तरह का जोखिम उठाना पसंद करेंगे, या फिर आपके पास कोई और आइडिया है, कमेंट जरूर करें। ये जिराफ का नवजात बच्चा है, इस दुनिया में बच्चे का पहला कदम है। वीडियो डेनमार्क के अलबोग जू का है। बच्चों को जन्म देने के लिए मादा जिराफ 15 महीने तक पेट में पालती है इन्हें। नवजात बच्चे का वजन लगभग 220 पाउंड यानी 100 किलो के करीब होता है, और लगभग इनकी लंबाई 6 फीट होती है। पैदा होते ही ये बच्चे अपने कदमों पर खड़े होने की कोशिश करने लगते हैं। 30 मिनट के अंदर ही ये अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। न्यूरो साइंटिस्ट के मुताबिक इन नवजात बच्चों का दिमाग पैदा होने के समय काफी विकसित होता है। इंसानों के मुकाबले जिराफ के बच्चे बहुत जल्दी चलने लगते हैं। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हिचकी लेते ही एक बिल्ली की आंख के भीतर की बॉल बड़ी हो जाती है। दरअसल बिल्लियों के शरीर से निकलने वाला एक नोराडरेन लाइन नाम का पदार्थ होता है। ये तब निकलता है जब बिल्लियों को कोई डर होता है, तो उनकी इसी वजह से ये तुरंत खतरे को भांपकर अपनी जान बचा लेती है, और इस दौरान उनकी आंखें कुछ ऐसी हो जाती है। जिनके पास घर में बिल्लियां हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। अब इन दो जानवरों को देखिए जनाब, ये कौवा इस हेजहॉग को सड़क पार करा रहा है। ये वीडियो ऑग्री शहर का है, जो लाटवा देश में है। ये फैक्ट है कि कौवे काफी समझदार होते हैं। कौवों ने खुद को कंट्रोल करने के साथ साथ चीजों को समझने की कला सीख ली है। साथ ही दूसरे जानवर जैसे पालतू बिल्लियां, इनसे भी दोस्ती कर लेते हैं। एक रिसर्च के हिसाब से ये इनकी मेंटल कैपेसिटी 1-7 साल के बच्चे जितनी होती है। इस वीडियो के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि ये कौवा इसलिए हेजहॉग का शिकार करने के लिए बार बार उसे चोंच मार कर आगे बढ़ रहा था, लेकिन वही कई कहते हैं कि ये ऐसे जानवरों का शिकार नहीं करता। तो आपकी राय क्या है इसके बारे में, ये कमेंट में जरूर बताएं। अब दिखने में ये किसी भूत की तरह लग रहा है, अंडर वाटर भूत। ये वीडियो साल 2019 के सितंबर महीने का है। ये जेलीफिश की सबसे दुर्लभ प्रजाति है, नाम है डीप स्टार या जेली, जिसमें दूसरे जेलीफिश की तरह टेंटेकल्स नहीं होते, बल्कि इसके पास उससे भी अनोखा कुछ है। ये अपने शरीर को ही जाल की तरह इस्तेमाल करती है। इसके शरीर के भीतर एक और जीव देखा गया है। ये एक आइसोपोड था, जो दूसरे शिकारियों से बचने के लिए जाहिर है इसके शरीर में गया होगा। मिलिए सनफिश से। ये एक बड़े सर वाला मछली है। ये दुनिया में पाई जाने वाली सबसे बड़ी बोनी फिश है। इसे मोला मोला के नाम से भी जाना जाता है। ये शिकार करने के बाद आधे से ज्यादा दिन सूरज की रोशनी में ही रहती है। इस वीडियो को मिगुएल पेरेरा नामक शख्स ने 2013 में पुर्तगाल में रिकॉर्ड किया था। इन मछलियों की औसतन लंबाई 10 फीट तक होती है, वहीं वजन लगभग 1000 किलो के करीब होता है। ये अजीब सी मछली बेहद खतरनाक शिकारी है, और 160 फीट से लेकर 650 फीट तक गहराई में शिकार कर सकती है। आमतौर पर ये जेलीफिश का शिकार करती है, जिससे इसे दूर तक जाने के लिए एनर्जी मिल जाती है। अब इस तस्वीर को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये फोटोशॉप के इस्तेमाल से बनाई गई है, लेकिन यकीन मानिए ये असली है। ये दुनिया के सबसे अजीब स्कल्पचर्स यानी कलाकृतियों में से एक है। ये न्यूजीलैंड के खूबसूरत पहाड़ों पर बना हुआ है। इसे हॉरिजोन्स नाम दिया गया है, और इसे बनाने वाला कलाकार नेल डॉसन है। ये ऑकलैंड से 29 मील की दूरी पर एक ओपन स्पेस पार्क में मौजूद है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। इस प्रॉपर्टी के मालिक एलन गिब्स हैं, जिन्होंने साल 1991 में इस जगह को खरीदा था। इस कलाकृति को लोहे से बनाया गया है।
दूर से देखने पर ये 3D लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये पार्क साल में बहुत कम दिनों के लिए खुलता है। अब ये वीडियो साल 2016 का है, जब अमेरिकन एस्ट्रोनॉट स्कॉट कैली ने अंतरिक्ष में अपने 300 दिन पूरे कर लिए थे। अब पिंग पोंग के इस खेल को उन्होंने कैसे दिखाया? दरअसल ये कारनामा करने के लिए उन्होंने इन दोनों पैनल पर हाइड्रोफोबिक मटेरियल लगाया। ये वो चीज है जो जिस पर पानी नहीं टिकता। मजे की बात यह है कि पानी की ये बूंद 4 ml की थी। तो क्या आप इस फूल को इस तस्वीर में ढूंढ सकते हैं? ये फूल है फ्रिचिलारिया डिलावाई, जो चीन के साउथ में पड़ने वाले हिमालयन और हैंगजुआन पहाड़ों पर पाए जाते हैं। आमतौर पर ये फूल काफी भड़कते रंग के होते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में इन्हें अपना रंग बदलते देखा गया है। इस फूल को कफ पाउडर बनाकर 2000 सालों से भी ज्यादा बेचा जा रहा है। 1 किलो पाउडर के लिए लगभग 3500 फूलों की जरूरत होती है। इसकी कीमत $480 प्रति किलो है। जब इसे ज्यादा तोड़ा जाता है तो वहाँ ये खुद को छुपाने के लिए आसपास के रंग में ढल जाती है। इससे एक नुकसान भी होता है इनके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। ये लिनक्स है, जो एक तरह की जंगली बिल्लियां हैं। इस वीडियो को साल 2018 में निकोल लेविस ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया था। इन्हें एवरी लेक के पास देखा गया था, जो कि ओंटारियो कनाडा और मिशिगन के बॉर्डर पर पड़ता है। मिशिगन में ये जीव बहुत मुश्किल से दिखाई देते हैं, लेकिन ओंटारियो के डिनोरिक रीजन में ये आम बात है। दोनों एक दूसरे को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये जीव अकेले रहना पसंद करते हैं। सिर्फ माँ और बेटी को ही साथ में देखा जाता है, लेकिन वाइल्ड कैट्स ऑफ द वर्ल्ड के मुताबिक ये लिनक्स कई तरह की आवाज निकाल सकती है। एक बायोलॉजिस्ट के हिसाब से ये दो बिल्लियां अपने इलाके के लिए लड़ रही हैं। अब ये जो खूबसूरत चीज आप देख रहे हैं, इसे रैम्बो स्वैम्प कहते हैं। स्वैम्प यानी कि दलदल, और इस रैम्बो स्वैम्प को ब्रांट रोजन और उनकी गर्लफ्रेंड ने देखा था और रिकॉर्ड किया था। ये वीडियो साल 2018 का है, और ये नजारा वर्जीनिया के फर्स्ट लैंडिंग स्टेट पार्क का। ये कुदरत का एक करिश्मा है जो इससे पहले भी देखा गया है। जीफ रिप्ले, जो कि एक स्वैम्प वॉक ग्रुप के लीडर हैं, उनके मुताबिक ये रैम्बो हमें नेचुरल आइल्स की वजह से दिखता है, जो इन पेड़ों से निकलती है। बायोलॉजिकल प्रोसेस के हिसाब से एनेरोबिक नामक बैक्टीरिया मिट्टी में आयरन की कमी कर देता है। इस खूबसूरत स्वैम्प को बनने के लिए पानी को अच्छे खासे समय तक स्थिर रहने की जरूरत होती है, और जब सूरज की किरणें सीधा इस पर पड़ती हैं, तो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लग जाते हैं। दोस्तों, आपने कपड़े की दुकानों में बहुत से डमी देखे होंगे, लेकिन इस पुतले को देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। इस डमी का नाम है ला पास्क्युआलिटा। ये मैक्सिको के शहर ची हुआ हुआ की एक दुल्हन के कपड़ों की दुकान में लगी है। इसे देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। इसे देखकर लगता ही नहीं कि ये एक डमी है। लोग बताते हैं कि ये इस दुकान के पुराने मालिक की बेटी की शक्ल है। इसके हाथ किसी इंसान के हाथों की तरह लगते हैं। पास्कुआला एस्पोराजा इस दुकान के मालिक थे, जिनकी बेटी की शादी होने वाली थी, लेकिन उस शादी के कुछ दिन पहले ही एक मकड़ी ने इसे काट लिया और शादी के दिन उसकी मौत हो गई। लोगों का कहना है कि उन्होंने इस डमी को उन्हें घूरते देखा है, तो वहीं कुछ कहते हैं कि ये हर बार अलग तरीके से खड़ी दिखती है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक घर में दीमकों का एक घोंसला मिला, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। ऐसे ही जमीन पर मिट्टी के पहाड़ नुमा घर बनाकर रहते हैं, लेकिन यहाँ ये एक प्रॉपर्टी में थे। फ्लोर की सतह से लेकर छत तक बड़ा था इन दीमकों का घोंसला। जाहिर है इसमें हजारों दीमक रह रहे थे, और इसे देखकर यही लगता है कि इसे बनने में कई साल लगे होंगे। आप ये वीडियो देखिए। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का हम अगला पार्ट भी बनाएं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें नेक्स्ट पार्ट। बाकी अपना प्यार ऐसे ही बना रखें, हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।